अचानक से मौसम ने ऐसी करवट बदली कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक नजर आ रहा है। अमूमन इन दिनों बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार सितंबर में भी भारी बारिश हो रही है, लेकिन कुदरत के कहर से हिमाचल इस वक्त सबसे ज्यादा जूझ रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ का पानी सब कुछ बहा कर ले जाएगा। तस्वीरें आपको बताएंगी कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, प्रकृति सबको बेबस कर देती है। सितंबर में दरक रहे हैं पहाड़, नदियां गरज रही हैं, चंद दिनों की चुप्पी के बाद पहाड़ों पर फिर लौटा बारिश। बर्बादी वाली बारिश से कब मिलेगी राहत? पानी बढ़ रहा भाई। ये तस्वीरें जम्मू के उधमपुर की हैं, जहां पानी के तेज बहाव के बावजूद जब एक लड़के ने रास्ता पार करने की कोशिश की तो वो फंस गया। देखिए, दूर आपको एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो लड़का वहीं पर फंस गया। प्रशासन ने रस्सियों के सहारे लड़के को बचाने के लिए टीम बुलाई। और डिस्ट्रिक्ट में और एरियाज में क्या स्थिति है सर अभी, और कई की और रिपोर्ट वगैरह आई है? हमने कुछ एक हमारा यहाँ पे जो राइट बैंक मनाली से जो कुल्लू भी जाते हैं, राइट बैंक से हमने ट्रैफिक डाइवर्ट करके लेफ्ट बैंक पे डाल दिया है। हालांकि लेफ्ट बैंक भी कई जगह से बंद हो रहा है, टीम डिप्लॉयड खोलने की कोशिश है। ये तस्वीरें कुल्लू के डोबी इलाके की हैं, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए 19 लोगों को बचाया गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और बाढ़ की वजह से इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। पिछले दो दिन से जारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू, मनाली और मंडी में बारिश आफत बनकर बरसी है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में ब्यास नदी पूरे उफान पर है। साल 1995 के बाद ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिला है। कुल्लू में मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है। प्रशासन जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने में जुटा हुआ है। इसके अलावा लोगों को नदी नाले के किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। हिमाचल सरकार ने सभी जिला प्रशासन और सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी जिला प्रशासन से बारिश के चलते नुकसान की रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा भारी बारिश से कुल्लू और चंबा में हुए नुकसान के बाद जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान दिया है। किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा में सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। चंबा और किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। रोहतांग पास में 4 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसके बाद करीब 20 लोग इलाके में फंस गए थे। बीआरओ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल के मनाली में सैलाब के आतंक का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। मनाली में एक बस देखते ही देखते सैलाब में बह गई।
वहीं हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुल्लू मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए पहली तस्वीर में जहां पर किस तरह से एक बस देखते ही देखते बहती चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में ट्रक बहा। बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, व्यास नदी यहां पर उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक किस तरह से कुल्लू में व्यास नदी में बहा वो जरा देखिए। वहीं मनाली में यात्रियों से भरी बस ऐसी इसी तरह से पानी में बह गई।